हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता स्मेकर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बहुत ही शिमरी और ग्लॉसी मेकअप करके दिखाऊंगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट में यूज़ करूंगी, तो डेली वेयर में आप ये मेकअप कर सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं बच्चों को लेने, या शॉपिंग करने जा रहे हैं, या मार्केट से कुछ सामान वैसे ही लेने जा रहे हैं, तो ये हल्का सा आप मेकअप कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है ये, और इसमें हल्का सा शिमरी पार्टिकल्स हैं, और ये स्विस ब्यूटी का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है ये मॉइस्चराइजर प्राइमर, और इसमें हल्का हल्का शिमरी सा पार्टिकल्स हैं। तो ये हम पहले अप्लाई करेंगे। कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मैं, और मैं कोई फाउंडेशन, कोई हाइलाइटर कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखना एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ग्लॉसी और शाइनी शिमरी मेकअप कैसे करेंगे हम। और डेली वेयर में तो हम आई मेकअप भी नहीं करते हैं, तो मैं इसी तरह से आपको एक मेकअप मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को। तो ये पहला स्टेप मैंने किया है। ये देखिए, पहले स्टेप में कितना अच्छा शाइन आ रहा है देख लीजिए। और इसके बाद लिप बाम लगाऊंगे, ये मैं लक्मे का लगा रही हूँ। लिप्स को मॉइस्चराइज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी मेकअप करके दिखाऊंगी। और फर्स्ट हम उसके बाद आईब्रो सेट कर लेंगे। हल्के हल्के स्ट्रोक लेके आईब्रोज फिल करेंगे, बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं बनानी है हमने। और इसके बाद स्पूली की मदद से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। और इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम एरिया है, जैसे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के निशान हैं, और अंडर आई के नीचे, तो वहाँ पे मैं कंसील करूँगी। मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो डेली वेयर में आप हल्का सा कंसीलर लगा के और उसको ब्लेंड करके एक हल्का सा मेकअप आप कर सकते हैं, क्योंकि डेली वेयर तो हम फाउंडेशन, ब्लश, हाइलाइटर, कंटूर नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए डेली ज़्यादा मेकअप। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। और आईज पे भी लगा लूंगी मैं कंसीलर, और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और अब ये ब्लेंड हो गया। और अब ये मैं फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो ये जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाए वहाँ पे हल्का हल्का सा इसको सेट कर लेंगे, खास करके अंडर आई पे, जहाँ आपको लगता है क्रीज बन जाएगी वहाँ पे। और कम से कम पाउडर यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी मेकअप चाहिए।
तो इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ये फेसिस कनाडा का है और आई मेकअप में कुछ मैं नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मस्कारा आप लगाइए, इसी से आईज आपकी बहुत अच्छी लगेगी। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वनिता स्मिकोर से मेरा पेज है। और अब मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये सिस ब्यूटी का, और लिपस्टिक भी मैं थोड़ी सी ग्लॉसी सा लगाऊंगी, ये फेसिस कनाडा की लिपस्टिक है, हल्का हल्का इसको लगा के, और इसके बाद मैं ग्लॉस लगाऊंगी। थोड़ा सा शाइन के लिए। तो आप देख रहे हैं मैंने कम से कम प्रोडक्ट यूज़ किया है, फेस पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ किया फेस प्रोडक्ट कुछ भी। तो एंड में ये सिस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, ये हल्का सा स्प्रे करके लगाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे। ये देखिए फेस कितना ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है। तो आप भी इसी तरह का मेकअप कर सकते हैं डेली वेज में। ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बाय बाय, टेक केयर।